गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, बीए थर्ड ईयर की आज की इस क्लास में हम फासीवादी विचारधारा का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आपको मालूम है कि फासीवाद का संबंध मुसोलिनी के साथ में जुड़ा हुआ है। फासीवाद सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण है। दूसरी बात, फासीवाद क्या है? सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण है। इसके बाद तीसरी बात, इसकी जो फासीवाद शब्द की जो उत्पत्ति है वो इटालियन शब्द फासियो से हुई है, जिसका मतलब होता है लकड़ियों का गट्ठर एवं कुल्हाड़ी। इसका जो जन्म है, फासीवाद की अवधारणा का जो जन्म है वो किन परिस्थितियों में हुआ, इसके बारे में पहले हम बहुत संक्षेप में पढ़ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो इटली में निराशा उत्पन्न हुई, उसके कारण इस विचारधारा को जन्म लेने के लिए परिस्थितियां मिली। मुसोलिनी ने इसका लाभ उठाया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली यह मानकर चलता था कि जर्मनी के विरुद्ध मित्र देशों का साथ देने की वजह से उसे लाभ मिलेगा, लेकिन युद्ध के बाद वो लाभ उसे नहीं मिल पाया, जिसके कारण इटली के नागरिकों में निराशा का भाव उत्पन्न हुआ और इस निराशा का लाभ मुसोलिनी ने उठाया। इसके बाद जब युद्ध समाप्त हुआ तो श्रमिकों और सैनिकों में बेरोजगारी जो थी वो फैली, क्योंकि युद्ध से संबंधित जो उत्पादन था वो बंद हो गया और सैनिक जो थे वो युद्ध से वापस घर लौटे। और उस समय युद्ध के समय जो जल्दबाजी में सैनिकों की भर्ती की गई थी, उन सारे सैनिकों को नौकरियों से निकाल दिया गया। युद्ध संबंधी उत्पादन जो था वो बंद हो गया, उससे श्रमिक बेरोजगार हो गए और सैनिकों को भी क्या मिला, सम्मान नहीं मिला और उन्हें निकाल दिया गया, देश सेवा के कार्य से अलग कर दिया गया। तो ये जो निराशा की भावना थी, उस निराशा की भावना ने किसको जन्म दिया? फासीवाद की विचारधारा को। युद्ध के बाद इटली की अर्थव्यवस्था जर्जर हो गई। युद्ध में लूट का जो माल था या युद्ध में जीत का जो हिस्सा था, जो उसे मिलना चाहिए था, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था को गति मिलती और उसकी अर्थव्यवस्था को जो नुकसान हुआ था उसकी भरपाई होती, वह लाभ उसको मित्र राष्ट्रों के द्वारा नहीं दिया गया और उसे दरकिनार किया गया, जिसके कारण से इटली में फासीवाद के जन्म के लिए अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई। इसके अलावा मुसोलिनी का जो नेतृत्व था उसने फासीवादी दल की ओर युवाओं को आकर्षित किया। मुसोलिनी का जो नेतृत्व था और उसका जो व्यक्तित्व था, उसने युवाओं को फासीवादी दल की ओर बढ़ाया और इस कारण से यह विचारधारा जो थी वो इटली में इसका जन्म हुआ। तो फासीवाद क्या है? सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण है। फासीवाद की उत्पत्ति इटालियन शब्द फासियों से हुई है, जिसका अर्थ लकड़ियों का गट्ठर और कुल्हाड़ी से लिया जाता है। अब हम फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों के बारे में पढ़ेंगे। इटली में जो फासीवाद की अवधारणा है, उस फासीवाद के जो प्रमुख सिद्धांत है उनका हम अध्ययन करेंगे। तो पहली बात है कि फासीवाद एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है। फासीवाद क्या नहीं है? एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है। जैसे समाजवाद जो है वो एक व्यवस्थित दर्शन है, वैसे फासीवाद एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है। आदर्शवाद, व्यक्तिवाद, साम्यवाद की तरह फासीवाद एक व्यवस्थित दर्शन नहीं है। फासीवाद किन्हीं निश्चित सिद्धांतों और कार्यक्रमों में विश्वास नहीं करता। फासीवाद निश्चित कार्यक्रमों और सिद्धांतों में विश्वास नहीं करता। मुसोलिनी खुद कहता है हमारा कार्यक्रम सरल है, और वो क्या कहता है, मेरा कार्यक्रम बात नहीं काम है, मेरा कार्यक्रम बातें करना नहीं बल्कि काम करना है। फासीवाद इटली की राजनीति के बंजारे हैं, जो किन्हीं भी निश्चित सिद्धांतों में बंधे हुए नहीं है। इटली की जनता के कल्याण को एकमात्र लक्ष्य मानकर वे शाश्वत गति से आगे बढ़ते रहते हैं। तो मतलब कोई निश्चित दर्शन नहीं है फासीवाद। दूसरी बात, बुद्धि और विवेक की बजाय यह कल्पना और रहस्यों में विश्वास रखता है। मानवीय बुद्धि और विवेक की बजाय फासीवाद किस में विश्वास रखता है? कल्पना और रहस्यों में विश्वास करता है, और कल्पनाओं से और रहस्यों से वो जनता, इटली की जनता को अपनी तरफ मोड़ना चाहता था। फासीवाद बुद्धि और विवेक में विश्वास न करके कल्पना और रहस्यों पर विश्वास करता है। मुसोलिनी मनुष्य को पशु तुल्य मानता है और उसके अनुसार जनता अपने नेता से डर के कारण ही उसकी आज्ञा का पालन करती है। उसने इटली की जनता को उकसाने और अपना समर्थन पाने के लिए कल्पनाओं का सहारा लिया। इस तरीके से वह तर्कहीन विचारधारा में विश्वास करता है। मतलब फासीवाद क्या है? तर्कहीन विचारधारा है। क्या है?
तर्कविहीन विचारधारा है, कल्पनाओं और रहस्यों पर बल देता है और जनता को कहानियां और कथाएं सुनाकर उनको अपनी ओर ले जाने का प्रयास करता है, बुद्धि और विवेक में विश्वास नहीं करता है। इसके बाद वो लोकतंत्र का विरोधी है, कुलीन तंत्र का समर्थक है, कुलीन तंत्र का समर्थक है, लोकतंत्र का विरोधी है। फासीवाद लोकतंत्र को मूर्खतापूर्ण, भ्रष्ट, काल्पनिक और अव्यवहारिक शासन मानता है। फासीवाद लोकतंत्र को क्या मानता है? मूर्खतापूर्ण मानता है, भ्रष्ट मानता है, काल्पनिक और अव्यवहारिक शासन मानता है और लोकप्रिय संप्रभुता के सिद्धांत को झूठ मानता है। फासीवाद लोकतंत्र की तुलना शव से करता है और संसद को बातूनी लोगों की दुकान कहता है और बहुमत के शासन को उल्लुओं की व्यवस्था कहता है। बहुमत के शासन को वो क्या कहता है? उल्लुओं की व्यवस्था। बहुमत के शासन को क्या कहता है? उल्लुओं की व्यवस्था कहता है। तो वो कुलीन तंत्र में विश्वास करता है और लोकतंत्र का वो विरोधी है। इसके बाद वो मानवीय समानता में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि मनुष्य में जन्म से ही असमानता होती है, मनुष्य में जन्म से ही असमानता होती है। कोई भी दो व्यक्ति शारीरिक रूप से और शक्ति की दृष्टि से कभी भी समान नहीं हो सकते। मानव समानता में अविश्वास। और फासीवाद पुरुष को स्त्री से, फासीवाद किसको किससे मानता है श्रेष्ठ? पुरुष को स्त्री से, सैनिक को असैनिक से, फासीवादी दल को दूसरे दल से, अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से, शक्तिशाली को निर्बल से और युद्ध में विजयी को पराजित से श्रेष्ठ मानता है। यानी पुरुष को स्त्री से, सैनिक को असैनिक से, फासीवादी दल को दूसरे दल से वो क्या मानता है? श्रेष्ठ मानता है। और कहता है कि जन्म से ही मानव क्या होता है? असमान होता है, शक्ति की दृष्टि से और बुद्धि की दृष्टि से। तो मानवीय समानता के सिद्धांत में वो विश्वास नहीं करता, वो लोकतंत्र का विरोधी है, कुलीन तंत्र में वो विश्वास करता है। इसके बाद स्वतंत्रता व्यक्ति का अधिकार नहीं है बल्कि वो स्वतंत्रता को राज्य स्वीकृत रियायत मानता है। स्वतंत्रता को क्या मानता है? राज्य स्वीकृत रियायत या छूट मानता है। स्वतंत्रता को मुसोलिनी क्या मानता है? राज्य द्वारा दी गई छूट मानता है स्वतंत्रता को। और वो कहता है कि स्वतंत्रता एक अधिकार न होकर कर्तव्य है, व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व का विकास करने का अवसर व स्वतंत्रता राज्य की इच्छा पर निर्भर है, इसे व्यक्ति का अधिकार नहीं माना जा सकता। मतलब केवल राज्य द्वारा थोड़े समय के लिए दी गई छूट मानता है स्वतंत्रता को। और इसके बाद वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है, उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है और अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करता है। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा था कि वो पुरुष को स्त्री से श्रेष्ठ बताता है और फासीवादी दल को अन्य दलों से श्रेष्ठ बताता है, तो वो अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र की तुलना में क्या बताता है? श्रेष्ठ बताता है। और यही चीज यहाँ पर बताती है कि वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है। और वो कहता है कि इटली के भीतर ही सब कुछ है, इटली के बाहर कुछ भी नहीं है, राज्य के भीतर ही सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। अगर इटली को शक्तिशाली बनना है तो उसे अपनी जनसंख्या को बढ़ाना चाहिए, उसको अपनी सीमाओं को बढ़ाना चाहिए और राष्ट्र के नागरिकों को इटली के प्रति समर्पित होना चाहिए। तो वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थक है और वो सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करता है। सर्वाधिकारवादी राज्य का समर्थन करने का मतलब है एक ऐसा राज्य जिसके पास में सारी शक्तियां हैं, अधिकार उसके विरुद्ध नहीं हो सकते, स्वतंत्रता उसके विरुद्ध नहीं हो सकती, राज्य के भीतर ही सब कुछ है, व्यक्ति राज्य के विरुद्ध स्वतंत्रता की मांग नहीं कर सकता, अधिकारों की मांग नहीं कर सकता, राज्य सर्वशक्तिशाली है। तो जैसे मैंने शुरू में कहा था कि सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण क्या है? फासीवाद। सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण क्या है? फासीवाद है। और वो इटालियन रूपांतरण फासीवाद किसका समर्थन करता है? सर्वाधिकारवाद का समर्थन करता है। अब इसके बाद में राज्य के पृथक व्यक्तित्व में वो विश्वास करता है, कहता है, वह ये कहता है कि चाहे व्यक्तियों से मिलकर राज्य का निर्माण हुआ हो, समाज का निर्माण हुआ हो, लेकिन जैसे संपूर्ण शरीर अंगों से अपना अलग पृथक अस्तित्व रखता है, वैसे ही राज्य जो होता है वह व्यक्तियों से अलग अपना अस्तित्व रखता है। फासीवादी राज्य के सावयव सिद्धांत में विश्वास करते थे, जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हुए भी शरीर का पृथक अस्तित्व होता है, उसी प्रकार व्यक्तियों से बना होने पर भी राज्य का पृथक व्यक्तित्व होता है। शरीर के किसी अंग का शरीर से पृथक कोई अस्तित्व नहीं होता, उसी प्रकार राज्य से पृथक व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। मतलब राज्य के पृथक व्यक्तित्व की कल्पना करता है बावजूद इसके कि व्यक्ति के योग से ही समाज और राज्य का निर्माण होता है, लेकिन वो कहता है कि जैसे शरीर का अंगों से पृथक अस्तित्व होता है, वैसे ही राज्य का भी पृथक व्यक्तित्व होता है। हाँ, वो ये कहता है कि अंगों का शरीर के बिना कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।
अब इसके बाद वो हिंसा का, साम्राज्यवाद का और सैन्यवाद का समर्थन करता है, हिंसा का, साम्राज्यवाद का और सैन्यवाद का समर्थन करता है। तो वो कहता है कि भाई, जैसे मैंने कहा कि वो उग्र राष्ट्रवाद का समर्थन करता है, वो कहता है कि राज्य के भीतर सब कुछ है, राज्य के बाहर कुछ भी नहीं है। इटली को शक्तिशाली बनना है तो उसे अपनी जनसंख्या बढ़ानी चाहिए, उसे अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहिए और इसके लिए उसे अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए। तो वो हिंसा का, साम्राज्यवाद का और सैन्यवाद का समर्थन करता है, अंतर्राष्ट्रवाद का विरोध करता है। जब वो अपने राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से श्रेष्ठ मानता है तो वो कैसे अंतर्राष्ट्रवाद का समर्थन कर सकता है? वो अपने राष्ट्र को, अपनी संस्कृति को और अपने नागरिकों को दूसरे देश के नागरिकों और दूसरे देश से श्रेष्ठ मानता है। अब फासीवाद एक दल, एक नेता और एक शासन में विश्वास करता है, मतलब पूर्ण रूप से वो सर्वाधिकारवादी शासन की ओर संकेत देता है और एक दल का, एक नेता का और एक शासन में विश्वास करता है। एक दल कौन सा? फासीवादी दल। एक नेता कौन सा? मुसोलिनी। और एक शासन कौन सा? फासीवादी शासन। अब सबसे आखिर में वो राज्य के निगमनात्मक रूप का समर्थन करता है। फासीवादी आर्थिक क्षेत्र में निगमनात्मक राज्य को, निगमनात्मक राज्य के सिद्धांत को अपनी मौलिक और अद्वितीय देन मानते हैं। आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद, ध्यान से सुनिए, आर्थिक क्षेत्र में फासीवाद व्यक्तिवाद और समाजवादी अर्थव्यवस्था के मध्य मार्ग को ग्रहण करता है। फासीवाद अत्यंत महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और शेष उद्योगों को निजी हाथों में सौंपना चाहता है। महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और शेष उद्योगों को वो निजी हाथों में देना चाहता है। राज्य के निगमनात्मक रूप का समर्थन, जिसमें वो महत्वपूर्ण उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करना चाहता है और शेष उद्योगों को निजी हाथों में सौंपना चाहता है तथा उन पर भी राष्ट्रहित में नियंत्रण करना चाहता है। और निगमनात्मक राज्य को फासीवाद अपनी देन मानता है। पूंजीपतियों और मजदूरों को किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति निगमनात्मक राज्य में नहीं दी गई। निगमनात्मक राज्य, राज्य का निगमनात्मक रूप, इसका समर्थन करता है फासीवाद। और निगमनात्मक राज्य में पूंजीपतियों और मजदूरों को किसी भी प्रकार से राष्ट्रहित के विरुद्ध कार्य करने की अनुमति नहीं है। तो ये तो थी इसके फासीवाद के सिद्धांतों की बात। अब हम बात करेंगे कि इसकी जो आलोचनाएं हैं, उन आलोचनाओं की हम बात करेंगे कि राज्य को उसने साध्य माना जो अपने आप में उचित नहीं है। राज्य को साध्य मानना अपने आप में उचित नहीं है, क्योंकि राज्य तो मानव के कल्याण का साधन होता है। राज्य अपने आप में कभी भी साध्य नहीं होता, वो मानव के कल्याण का साधन होता है। इसके बाद दूसरी आलोचना कि फासीवाद उन्नतशील विचारों का विरोधी है। फासीवाद उन्नतशील विचारों का विरोधी है। फासीवाद प्रजातंत्र का विरोधी है, समाजवाद का विरोधी है, विश्व शांति का विरोधी है, मानव की स्वतंत्रता का विरोधी है, वो शांति का विरोधी है। वो प्रजातंत्र को सड़ी हुई लाश कहता है, वो भी गलत है। बातूनी लोगों की दुकान कहता है उसको, निम्न सदन को, वो भी गलत है। फिर उसने निरंकुशतावाद का समर्थन किया, सर्वाधिकारवाद का समर्थन किया, जो भी मानव हित के विरुद्ध है। तो फासीवाद जो है वो कोई व्यवस्थित दर्शन नहीं है, इस कारण से भी उसकी हम आलोचना कर सकते हैं। इसके अलावा वो युद्ध और साम्राज्यवाद का समर्थन करता है, जो वैश्विक शांति का विरोध करने वाला एक विचार है। तो फासीवाद की आलोचना ही आलोचना हम कर सकते हैं यहाँ पर। और पॉजिटिव चीज सिर्फ हमें राष्ट्र प्रेम की जो भावना है फासीवाद की, वो अपने आप में दिखती है। लेकिन उग्र राष्ट्रवाद जो है वो दुनिया को हमेशा से युद्धों की ओर धकेलता रहा है। फिर धर्म और राजनीति के संबंध में भी उसके विचार उचित नहीं है। और इसके अलावा वो राज्य के पृथक व्यक्तित्व की जो बात करता है वो भी अनुचित है, क्योंकि व्यक्तियों के व्यक्तित्व से अलग हटकर राज्य का अपना कोई व्यक्तित्व नहीं हो सकता, तो ये भी चीज गलत है। तो कुल मिलाकर फासीवाद के दर्शन के संबंध में हमने जो विचार देखे वो आज आपके सामने मैंने रखे, जिसमें मैंने फासीवाद की उत्पत्ति कैसे हुई, फासीवाद जो है वो सर्वाधिकारवाद का इटालियन रूपांतरण है, और फासीवाद के जो जन्म हुआ वो जन्म होना फासीवाद का वो स्वाभाविक था, क्योंकि इटली के साथ में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अन्याय हुआ था, इसलिए इस प्रकार की विचारधारा का जन्म होना जो था वो उपयुक्त प्रतीत होता है। और फासीवाद एक ऐसी विचारधारा थी, या मुसोलिनी एक ऐसा नेता था जिसने द्वितीय विश्व युद्ध की ओर विश्व को धकेला था। तो कुल मिलाकर आज हमने किसका अध्ययन किया, बीए थर्ड ईयर की अपनी क्लास में फासीवाद के प्रमुख सिद्धांतों का, उनके जन्म के कारणों का, और इसके अलावा फासीवाद की आलोचनाओं का अध्ययन हमने किया।